हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि है। ज्ञान हिंदी टिप्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आप क्लिकबैंक के जरिए फ्री मेथड यूज करके अर्निंग करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा यूनिक मेथड बताऊंगा जिसे यूज करके आप बहुत ही आसानी से क्लिकबैंक में अर्निंग कर पाएंगे। ये सारी डिटेल अभी मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे चल के आपको दिखाऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो सके। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं सारी प्रोसेस। हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप क्लिकबैंक के जरिए फ्री मेथड यूज करके काफी अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। जी हाँ, बिना एक रुपया खर्चा किए आप क्लिकबैंक से कैसे अर्निंग कर पाएंगे, वो भी बहुत ही आसानी से। उसका एक यूनिक मेथड आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा। आप देख सकते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे मैंने क्लिकबैंक का साइट ओपन कर लिया है और क्लिकबैंक पे मैंने मार्केट प्लेस ओपन कर लिया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास क्लिकबैंक का अकाउंट नहीं है, तो आप ट्राई कीजिए, आपका अकाउंट क्लिकबैंक में रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कारण से आपका अकाउंट क्लिकबैंक में रजिस्टर नहीं हो पाता है तो उसका अल्टरनेटिव और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है, उन पे भी आप अपना रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करके वहां से भी आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। डिजिस्टो 24, जेवीसू, वॉरियर प्लस, ये सभी प्लेटफॉर्म क्लिकबैंक की तरह ही है। आप इन पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करके ये सारे प्रोडक्ट आप वहां से भी प्रमोट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्री मेथड से अगर आपको सेल्स जनरेट करना है तो किस तरह का प्रोडक्ट आपको चूज करना होगा। तो आप देख सकते हैं मार्केट प्लेस में कई सारे यहाँ कैटेगरीज अवेलेबल है। इन सभी कैटेगरीज में कई सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आप इन सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट को यहाँ से चूज कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको जो डेमो बताऊंगा वो स्पिरिचुअल प्रोडक्ट से रिलेटेड बताऊंगा, तो इस कैटेगरी को यहाँ से मैं ओपन कर लूंगा। आप देख सकते हैं हमारे सामने स्पिरिचुअलिटी कैटेगरी ओपन हो चुकी है और इसमें कई सारे प्रोडक्ट्स यहाँ अवेलेबल है। क्योंकि अगर आप फ्री मेथड से कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं उसका ग्रेविटी रेंज 30 से 100 के बीच में होना चाहिए, ना 30 से नीचे होना चाहिए और ना ही 100 से ऊपर होना चाहिए। अगर ग्रेविटी 30 के नीचे है तो समझ जाइए कि उस प्रोडक्ट को बहुत ही कम लोग प्रमोट करते हैं। और अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की ग्रेविटी 100 से ऊपर, 200 या 300 या उससे ज़्यादा है, तो आप समझ जाइए उस प्रोडक्ट को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है उस प्रोडक्ट में। तो अगर आप फ्री मेथड यूज करेंगे तो हो सकता है कि अगर उस प्रोडक्ट की ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो तो आपका वहां पर सेल जनरेट ना हो पाए। तो मेरा रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए यही रहेगा कि ग्रेविटी 30 और 100 के बीच में जिसकी है वही आप सिलेक्ट करिएगा। और दूसरा चीज आपको ये देखना है कि अगर आप जो कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट का कॉस्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है $20 से अगर वो नीचे का कॉस्ट है तो ही वो बेटर रहेगा फ्री प्रमोशन से अर्निंग करने के लिए। अगर आप उससे महंगे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं हो सकता है आपकी अर्निंग आ जाए, लेकिन ज़्यादातर लोगों का सेल कन्वर्जन नहीं हो पाता है अगर प्रोडक्ट कॉस्टली रहता है। फ्री प्रमोशन के जरिए वहाँ सेल जनरेट नहीं हो पाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर वहीं प्रोडक्ट का कॉस्ट कम रहेगा तो फ्री प्रमोशन के जरिए आप बहुत ही आसानी से उस प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे और नंबर ऑफ क्वांटिटी वो सेल होगी तो आपका ऑटोमेटिकली अर्निंग बढ़ जाएगा वहाँ पे। तो ये दो चीज का हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा, पहला तो ग्रेविटी और दूसरा प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है वो हमें देखना पड़ेगा। ये दो चीजों को ध्यान में रखते हुए हम प्रोडक्ट को चूज करेंगे और उसके बाद हम प्रोडक्ट प्रमोट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ कई सारे प्रोडक्ट है। इन सभी प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट है जो कि काफी कम रेट है और ग्रेविटी देखेंगे 27.63, ऑलमोस्ट ये 30 के करीब है। तो ये प्रोडक्ट मुझे काफी ठीक लग रहा है क्योंकि इसका कॉस्ट आप देखेंगे, इसका कमीशन आपको यहाँ पर $13.87 यहाँ पर आपको कमीशन दिखा रहा है। तो कहने का मतलब है इस प्रोडक्ट का कॉस्ट $15 या $16 ही होगा, इससे ज्यादा इसका कॉस्ट नहीं होगा। तो हम इस प्रोडक्ट को यहाँ से आज चूज करेंगे और इस प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे। वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसका सेल्स पेज हम ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट का सेल्स पेज यहाँ ओपन हो चुका है और यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव वीडियो यहाँ पर है। इसे प्ले करने के बाद जो भी विजिटर इस वेबसाइट पे आएगा, इस लैंडिंग पेज पे आएगा, उसका कन्वर्ट होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा रहेगा। आप देखेंगे इस प्रोडक्ट का कॉस्ट यहाँ पर $17 दिखा रहा है, तो ये प्रोडक्ट का कॉस्ट काफी कम है और यहाँ से बहुत ही आसानी से इस प्रोडक्ट को हम सेल कर सकते हैं फ्री मेथड के जरिए।
तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्लेटफॉर्म के जरिए हम इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं मैंने कंप्यूटर की स्क्रीन पे फेसबुक ओपन कर लिया है और फेसबुक ओपन करने के बाद यहाँ कुछ ग्रुप है जिन्हें ऑलरेडी मैंने ज्वाइन कर रखा है। आप देखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मनी और दूसरा ग्रुप अगर आप देखेंगे सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस तरह से कई सारे ग्रुप्स मैंने यहाँ ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट को प्रमोट करने जाएंगे तो आप फेसबुक में आके पहले उससे रिलेटेड ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद जैसे ही आपको अप्रूवल मिल जाता है तो आपको उसमें किस तरह से काम करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज तक आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे, सभी वीडियो में कई सारी डिटेल्स बताई जाती है, लेकिन अभी हाल ही में एक नया मेथड मालूम पड़ा है। अगर उस मेथड को हम यूज करते हैं तो डेफिनेटली हम फ्री मेथड के जरिए बहुत ही आसानी से सेल्स जनरेट कर सकते हैं। आज वो मेथड मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस ग्रुप को मैंने ओपन किया है, इस ग्रुप में कई सारे पोस्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लिंक ऑलरेडी अटैच, ये एक एफिलिएट लिंक है और यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट यहाँ मेंशन किया गया है। आप देखेंगे इस तरह का एक सिंपल सा इमेज इसमें अटैच किया गया है और यहाँ पर उसके नीचे आप देखेंगे 585 कमेंट है और 35 शेयर है इसमें, और इसमें एंगेजमेंट देखेंगे 745 एंगेजमेंट है। इसी तरह से अगर यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे और भी कई सारे पोस्ट इसमें है जिनमें काफी सारा कमेंट है, शेयरिंग है और एंगेजमेंट है, और लगभग सभी के सभी पोस्ट में यहाँ बॉटम पे एकदम आपको एक एफिलिएट लिंक अटैच दिखेगा और इस तरह से यहाँ पे कंटेंट दिखेगा। मैं आपको ये सारे पोस्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर लोग इमेज यूज कर रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कंटेंट यूज किया गया है। अगर आपको ये सारे कंटेंट नहीं समझ में आता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप जिस भी प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे उस प्रोडक्ट के एफिलिएट पेज में आप जाएंगे तो आपको वहां पर ईमेल स्वाइप मिल जाएगा, उसके कंटेंट आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके कंटेंट आपको पसंद नहीं आते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फेसबुक में जितने भी ग्रुप्स है और हर एक ग्रुप में जितने भी पोस्ट किए गए हैं आप उस सारे कंटेंट रीड करिए, जो कंटेंट आपको ज्यादा अच्छा लगता है आप उस कंटेंट को कॉपी करिए और उसमें थोड़ा सा मॉडरेशन करिए और सेम कंटेंट को आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। लेकिन एज इट इज आप पेस्ट मत करिएगा, थोड़ा बहुत मॉडरेशन उसमें करना बहुत ही जरूरी होगा ताकि आपका कंटेंट थोड़ा यूनिक इसमें बन जाए, रीडर को थोड़ा यूनिक लगना चाहिए। लेकिन इसमें पोस्ट करना कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से उसको देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही आपको ग्रुप में अप्रूवल मिल जाता है, अप्रूवल मिलने के बाद इस तरह के जितने भी इमेजेस मैंने अभी तक आपको दिखाए हैं ये सारे के सारे इमेजेस आपको गूगल पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे ये सब जगह पे आपको ये सारे इमेजेस मिल जाएंगे और आप सेम इमेज को दोबारा से यूज कर सकते हो। आप सबसे पहले एक सिंपल सा इसमें इमेज अपलोड कर दीजिए और कोई भी कंटेंट टाइप मत करिएगा और ना ही कोई उसमें लिंक अटैच करिएगा, आप उसे पब्लिश कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप कोई भी पोस्ट पब्लिश करोगे लगभग सभी ग्रुप में पोस्ट करने के बाद आपका पोस्ट अप्रूवल में जाता है और ग्रुप एडमिन उसे देखेगा, चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। अगर उसमें कोई एफिलिएट लिंक उसे नजर आया तो वो आपके पोस्ट को अप्रूव नहीं करेगा। तो इसलिए जब भी आप पोस्ट करेंगे तो अपने पोस्ट में कोई कंटेंट मत डालिएगा, जैसे यहाँ पर ये कंटेंट लिखा हुआ है और यहाँ पर ये एफिलिएट लिंक है, ये पूरा का पूरा आप कुछ मत डालिए, सिर्फ और सिर्फ एक इमेज पोस्ट करिए और उसे पब्लिश कर दीजिए। ग्रुप एडमिन आपके पोस्ट को जैसे ही अप्रूव कर देता है आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका पोस्ट यहाँ पब्लिश हो चुका है और उसके आधे से एक घंटे के बाद आप दोबारा से इस ग्रुप में आइए और आने के बाद इस तरह से आप अपना कंटेंट रेडी करके रखिए। इमीडिएटली आप यहाँ से क्लिक करके पोस्ट को एडिट करिए और उसमें ये कंटेंट आप पेस्ट करके दोबारा से इसे सेव कर दीजिए। अब इसे होगा क्या, आपका पोस्ट ऑलरेडी ग्रुप में पब्लिश हो चुका है, अब उस पोस्ट को आप सिर्फ सिंपल सा एडिट करोगे और आप अपना ये कंटेंट इसमें डाल के अपना एफिलिएट लिंक इसमें अटैच कर देना है और उसके बाद आपका पोस्ट ये ग्रुप में बिल्कुल लाइव रहेगा और यहाँ जितने भी मेंबर्स आएंगे, जो भी कमेंट करेंगे, जो भी एंगेजमेंट होगा उससे आपका पोस्ट यहाँ वायरल होएगा और लोग आपके लिंक पे क्लिक भी करेंगे। और अगर आपके क्लिकबैंक के प्रोडक्ट का कॉस्ट कम है तो यहाँ से सेल्स जनरेट होने का चांस बहुत ही ज्यादा होता है। तो मैं आपको दूसरा ग्रुप दिखा देता हूँ, इस ग्रुप में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ है और उसके नीचे ये इमेज है, सेम यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। सभी ग्रुप में जितने भी ग्रुप आप ज्वाइन करते हैं सब में आप इस तरह से इमेज अपलोड कर दीजिए और जैसे ही इस ग्रुप में आपका पोस्ट अप्रूव हो जाता है उसके बाद पोस्ट को एडिट करके अपना एफिलिएट लिंक उसमें अटैच कर दीजिए। इस तरह से आपको कंटिन्यू काम करना है। आप
10 से 15 दिन इस तरह से काम करिए और आप देखेंगे आपका सेल डेफिनेटली यहाँ से जनरेट होगा और बहुत ही अच्छा सेल आप यहाँ से जनरेट कर पाएंगे। इस तरह के और भी कई सारे यूनिक मेथड है जिनके ऊपर मैं आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के लिए मैं बहुत ही मेहनत करके रिसर्च करके सारे वीडियोस लाता हूँ। तो मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हो सके। तो आज का ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।